हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में आपके अपने चैनल जीवित परमेश्वर में। मेरे प्रियजनों, आज हम प्राण के साथ उपस्थित में हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा, अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा। मेरे प्रियजनों, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी ही के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार हुआ है। अनंत काल का परमेश्वर ने हम सभी को जीवन दिया है, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी धन्यवाद देंगे, ठीक है, क्योंकि वही महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य, बढ़ाई करने के योग्य। मेरे प्रियजनों, यदि दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में, उदासी में, बेचैनी में, डरे हुए, घबराए हुए हैं, तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बोलना है, उस परमेश्वर से बताना है। उस परमेश्वर से बताने की आवश्यकता है, इतना महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, आपके आंसू को पोछेगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को दूर करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे मेरे प्रियजनों, जो यीशु मसीह ने हम सभी को सुरक्षित रखा है, एक नया जीवन दिया है, संभाल के रखा है। शाम परमेश्वर ने जोड़ी, ये दिन जोड़ा परमेश्वर ने, इसके लिए यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, इसकी स्तुति करेंगे, बड़ाई करेंगे, महिमा करेंगे। हे आकाश के लोगों, उस परमेश्वर का जय जयकार करो, जय जयकार करो, क्योंकि वही महिमा के योग्य, बड़ाई के योग्य है, जिसने हमें अनंत काल का जीवन दिया, जिसने हम सभी के पापों को, गुनाहों को, धर्मों को क्षमा किया है। उस परमेश्वर का हम सब लोग धन्यवाद देंगे। उस परमेश्वर के आगे हम सब उसको सिर झुकाना है, किसी मनुष्य के आगे हाथ नहीं फैलाना है, किसी के आगे सिर नहीं झुकाना है, परमेश्वर के आगे सिर झुकाना है। परमेश्वर महान परमेश्वर है, माफ करने वाला परमेश्वर है, गुनाहों को माफ करने वाला परमेश्वर है, अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर है, समस्याओं को खत्म करने वाला हमारा परमेश्वर है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर से हो सकता है। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा जुलावर है, जो असंभव को संभव करता है हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, यदि आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बोलना है, आज आपको मनुष्य से नहीं बताना है। यीशु मसीह जानता है, परमेश्वर हमारी मनों की बातों को जानते हैं, परमेश्वर हमारी इच्छाओं की बातों को जानते हैं, कि हम सभी को क्या चाहिए, हम सभी की क्या हो सकता है, क्या इच्छाएँ हैं। यीशु मसीह जानता है, परमेश्वर जानता है, हम सभी को विश्वास करना है। विश्वास के साथ हमें यीशु मसीह से मांगना है, यीशु मसीह हम सभी लोगों को देगा, क्योंकि वो हमारा पिता है, उसके पुत्र पुत्रिया बच्चे हैं। परमेश्वर हम सभी से बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर ने हम सभी से इतना प्रेम किया, उसने कोड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुख पर थूका गया, उसके हाथों पैरों में किलेट ठोकी गई। मेरे प्रियजनों, इतने बेइज्जती ने दुख दर्द पीड़ाएं परमेश्वर ने सहा है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है। जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत काल का जीवन उसका है, यीशु मसीह ने अपने प्रेम करने वालों को दिया है, ठीक है। मेरे प्रियजनों, हमें यीशु मसीह पे पूरे हृदय, पूरे मन, पूरे प्राण से विश्वास करना है। कोई मनुष्य, कोई शैतान, कोई दुष्ट की गंदी आत्माएं विश्वास हम सभी को भरमाने ना पाए। विश्वास करना है, अनंत काल का जीवन देना परमेश्वर है, ठीक है। हमारी जरूरतों को, हमारी इच्छाओं को हमारे पापा जानते हैं, ठीक है। यदि मेरे प्रियजन, हम सभी से कोई पाप, गलती, गुनाह हुआ है, तो आज आपको परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर के सम्मुख जाने की आवश्यकता है। परमेश्वर हम सभी के पाप को क्षमा करेगा, गुनाहों को माफ करेगा, गुनाहों को ढापेगा। यीशु मसीह ने कहा है, यदि कोई अपने अपराधों को छिपा के रखता है, उसका कार्य कभी सफल नहीं होता। जब अपने अपराधों को मान लेता है, उसके ऊपर दया की जाएगी, उसके पापों को, गुनाहों को क्षमा किया जाएगा, उसके अपराधों को ढापा जाएगा, उसे एक अनंत काल का जीवन दिया जाएगा। परमेश्वर महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान अल्फा ओमेगा तुरंत है, जिसने आकाश पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर हम सभी के साथ है, जो सर्वशक्तिमान है। मेरे प्रियजनों, जो अल्फा ओमेगा है, जो आदि और अंत है। मेरे प्रियजनों, स्वर्ग दूत स्वर्ग में बिना विश्राम किए हुए रातों दिन यही कहते रहते हैं, पवित्र 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 पवित्र, हमारा सेनाओं का यहोवा पवित्र है, उसका शब्द ही पवित्र है, उसका शब्द इतना पवित्र है। परमेश्वर के पास आने के लिए हर एक व्यक्ति को विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है हमारे जीवन में, हमारा परमेश्वर काम करेगा, वो हमारे सब कामों को, मनोकामनाओं को सफल करेगा, सफल करेगा। हम सभी को विश्वास करना कि यीशु मसीह है, वह जीवित है, वह तीसरे दिन मृतों में से जी उठा है, पवित्र शास्त्र के अनुसार वह हमारे कामों को सफल करेगा। मेरे प्रियजनों, हालेलुया, मेरे प्रियजनों,
पिता से बोलना है, यीशु मसीह का सहारा लेना है। परमेश्वर का वचन कहता है सारा पिता पुरुष जो किसी मनुष्य का सहारा लेता है उसको भरोसा रखता है। हमें किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करना, उसका सहारा नहीं लेना, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उस पर का सहारा लेना है। ठीक है मेरे प्रियजनों, मेरे प्रियजनों इस प्रार्थना पाक बंद करके सुनना है, लास्ट तक सुना है, लास्ट में हमें मिलकर रिसीव करना। ठीक है, अबलबा शबलबा शिखलबा शिबलबा हालेलुया। इस प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं, हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता महान है प्रभु, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं प्रभु। मेरे पिता जो आपने मेरे पिता हम सभी को प्रभु जीवितों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के अंदर में छिपा के रखा है मेरे प्रभु, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु कि न ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, कि न मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से पिता वे पिछड़ गए होंगे पिता, वे कैसे स्थान पर चले गए होंगे, वे बहुत दूर चले गए होंगे पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। मेरे समय जो आपने मेरे पिता हम सभी का यीशु पापा नाम लेके बुलाया है, नाम लेके पुकारा है, इस संसार से चुना है, इसके लिए पिता का धन्यवाद करते हैं। यीशु पापा आपने कहा अपने वचन के माध्यम से, मैंने तुम्हें चुना, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें माता के गर्भ से चुना है, तुम मेरा ही है पिता आपने कहा। मेरे प्रभु आपने कहा मैंने तेरा नाम अब तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है प्रभु पिता, इतना प्रेम पिता आपने कहा है, आपने कहा जो तुम्हें छूता हुआ वह मेरी आँख की पुतली को छूता है पिता, आपने इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया पिता हम सभी से प्रभु, इसके लिए पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो इस वक्त इस प्रार्थना को मसीह भाई अपने मोबाइल पर सुन रहे पिता, पूरे विश्वास के साथ सुन रहे प्रभु, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो खाट पे पड़े हैं, जो बेड पे पड़े हैं, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर, गरीबी को, बीमारी को लेकर पिता सीरियस हैं, एडमिट हैं पिता, खतरनाक बीमारी में जूझ रहे, यीशु मसीह आपके नाम से पिता मसीह भवन चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, आजाद हो जाएं, आजादी को रिसीव कर बोल कर आमीन। अबलबा शबलबा शिखलबा शिबलबा आजादी को रिसीव कर बोल कर आमीन। आपके बंधन टूट रहे हैं, आप बीमारियां जा रही हैं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन को नया करेगा, पवित्र आत्मा आपकी बीमारियों को दूर करेगा, हमें विश्वास करना ही परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। मेरे प्रियजनों मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं जो मसीह भवन पिता गरीब है पिता, जो कमाने वाले नहीं है पिता, जो 100-200 रुपए पर पिता, 1000 रुपए पर पिता अन्य जातों से उधार लेने पिता सहायता ले रहे प्रभु, मेरे पिता किसी अन्य जातों के हाथ ना फैलाने पाए यीशु पापा, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे प्रभु आपके पीछे आए मेरे पिता, आप इनका जीवन संभालिए पिता, ये टूटने भी खड़े ना पाए पिता। आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, आशीष के दरवाजे मेरे पिता। हम मांगते हैं, ढूंढते, खटखटाते हैं पिता इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए पिता, इनकी गरीबी को, इनकी तंगी को, इनकी परेशानी को दूर करें पिता, इनके घरों के ऊपर सूर्य के घरों के खुल जाए पिता, बंदा से खुल नहीं पाए, अबलबा शबलबा शिखलबा शिबलबा, कोई बंदा से खुल जाए, ओपन द डोर यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुने पूरे विश्वास के साथ सुने पिता, लास्ट में आमीन बोलते हुए रिसीव करें पिता। जिनके घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है पिता, नहीं बनता है प्रभु, जो शैतान, जो दुष्ट, जो गंदी आत्माएं, बुरी आत्माएं पिता इनके जीवन में काम करती पिता, विधर्म फूट दाह मतवाला पंडाल के रखे पिता, वे फूट फूट विधर्म पिता दूर हो जाए पिता, इसरा क्रोध विरोध फूट विधर्म दूर हो जाए, इनके जीवन में प्रेम आने पाए पिता, जैसा प्रेम आपने किया पिता वैसा प्रेम आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य से, हर गंदी आत्माएं, बदुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं भाग जाए, भाग यीशु मसीह के नाम से, भाग यीशु मसीह के नाम से। पिता महान है प्रभु, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती प्रभु, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती थरथराते पिता, उनकी औकात नहीं प्रभु आपके सामने खड़े रह सके पिता, आप इनके जीवन को पिता बदलिए, पवित्र आत्मा चेंज कीजिए, चेंज भी पवित्र आत्मा जी, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे पिता प्रार्थना करते हैं जो मसीबत बीमार है पिता, हताश है, निराश है पिता, टेंशन डिप्रेशन में चले गए पिता, रो रहे, बिलख रहे, चिल्ला रहे पिता, इनका रोना, बिलखना, चिल्लाना बंद हो जाए, बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता, इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, जो रात में मसीह भवन नहीं सो पाते पिता, जिन्हें डर लगता है पिता, जिन्हें भय लगता है प्रभु, आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा,
जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। अचानक कान वाले भाई से ना डरना पिता, मुझे आशा है विश्वास है पिता अपने प्रण को सुन लिया पिता, स्वीकार कर दिया पिता, स्वीकार किया प्रवेश करे पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे पावन नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।